आज बनी है घर में दाल बाटी त्रुही के लिए, जो टाइफाइड से उभर कर बाहर आई हुई है। आप उसका चेहरा देख लीजिए, थोड़ा सा पतला भी हो गया है दवाइयों की वजह से, खाने की परहेज की वजह से। ये है दाल और ये बाटी का मेरा तरीका जो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। और ये मेरी बाटी रेडी है, यहाँ ये खा रही है, लहसुन की चटनी है। और गुड्डू भैया तो ऑलरेडी खाने के लिए बैठ ही चुके हैं। गुड्डू कैसा बना है? चीज बाटी। तो चलिए अब मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मैं वापस आपसे मिलती हूँ। आधे बर्तन धुल चुके हैं और ये देखिए मेरे जो लैंप थे वो कुत्ते ने 3 फोड़ दिए कल, मैं बाहर हम लोग बाहर थे। तो अब मैं ये आटा रखती हूँ, इन लोगों को चाहिए तो मैं दूसरी बनाऊंगी, और जब बनाऊंगी तो मैं वापस से शेयर करूंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो ये है मेरा बाटी बनाने का तरीका। तवी पर मैं इस तरह से जो चाइना होता है वो रख देती हूँ, और इस तरह से बाटी बनाकर उसको 5-7 मिनट पर इस तरह से आपको फ्लिप करना होता है, और आपकी बाटी ऐसे अच्छे से सिक कर रेडी हो जाती है। मैं आपको एक एक बता रही हूँ क्योंकि आपको अंदाज़ा आए कि बाटी कुकर के बिना भी बाटी बहुत अर, देखिए कितनी अच्छे से फूली भी है, तो बहुत अच्छी और सॉफ्ट बाटी बनती है। और इस तरह से उसको घी में डुबो डुबो कर फिर बाउल में निकाल कर फिर दाल और लहसुन की चटनी डालकर हम लोग खाते हैं। तो ये था हमारा दाल बाटी खाने का तरीका। पूरी रेसिपी मैं कई बार मेरी चैनल पर मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो मेरी जो कुकिंग चैनल है उसका लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ भी आपको ये पूरा तरीका आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ एक्चुअली मैं बोलती हूँ गुजराती में, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। इंस्टाग्राम स्टोर से मुझे कॉलअप के लिए मैसेज आया था और मैंने कॉलअप के लिए हाँ की थी, तो वहाँ से मुझे ब्यूटीफुल साड़ी रिसीव हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी साड़ी है और कलर भी काफ़ी अच्छा है। और स्टोर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और मेरा कोड मैं दे दूँगी, Tanu09 मेरा कोड है, जिससे आपको ज़्यादा डिस्काउंट 20% मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ बैक कैमरा कर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल साड़ी, ब्लाउज पीस के साथ है, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लू कलर है। और ये है इसका पल्ला, आज दोपहर को ही आया है, देख लीजिए। और अब मैं इसका ब्लाउज पीस आपको दिखा देती हूँ, ये है ब्लाउज पीस, ये देखिए, ये बॉर्डर है स्लीव्स में जो आती है वो, और इतना लगभग 1 मीटर होगा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा है। ये देखिए यहाँ से शुरू होता है, यहाँ बॉर्डर तक इसका ब्लाउज पीस है, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है। मैं मेंशन कर दूंगी, कल आया था, हद क्या हुई। अब आप देखिए, कल हम लोग गए थे बाहर, अपने आगे वीडियो देखा, कुरियर वाला आता है, मेरे हस्बैंड को कॉल करता है, मेरे हस्बैंड ने कहा हम लोग बाहर हैं, वेट कीजिए। और गलती क्या हुई, इन्होंने मुझे ट्रैकिंग आईडी नहीं भेजा था। अगर ट्रैकिंग आईडी भेज देते तो मैं कुछ ना कुछ अगर होता तो मैं नेबर को देकर जाती कि भाई मेरा पार्सल आएगा, आप COD कर लीजिए, कि ये COD था। तो मेरे फ्रेंड हस्बैंड के फ्रेंड हैं, वो कहा कि आप इतने रुपए लेकर जाइए उनको दे दीजिए, जो थोड़े भी देने होते हैं। तो गए और थोड़ा देर हुआ उनको आने में, तो कुरियर वाला बोलने लगा कि मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा। तो वो चला गया, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए, उनका यहाँ तो कोई नहीं खड़ा है। तो फिर वो हमारा कॉल उसने रिसीव किया कुरियर वाले ने, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई आप कहाँ हैं, वो हमारे रिलेटिव मेरा फ्रेंड आ चुका है वहाँ पेमेंट लेकर।
क्या मैं तो निकल लिया, मैं इंतजार नहीं करता किसी का, ये क्या बात हुई, थोड़ी सी इंसानियत तो रखो, चाय से ज्यादा कितली गर्म है भाई। तो ये है, और फिर ये जो स्टोर वाले हैं, जो लड़की है उसका, उसको मैंने मैसेज किया, मैं कहा देखिए मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ आज, मुझे ट्रैकिंग आईडी आपने भेजा नहीं था तो मुझे पता नहीं था, और संडे था तो मैंने सोचा कि हमने, मुझे नहीं लगा था कि आ जाएगा, तो मैंने कहा वो आया है, हम लोग नहीं थे तो वो रुका नहीं है, और उसने मेरे हस्बैंड से भी थोड़ा सा मिस भी हो मैं बात की, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चल भाई तू जा, चल नहीं चाहिए हमें, ओके ये बोल दिया। फिर मैंने उसको ये कुरियर वाले का नंबर सेंड किया, फिर उसने कुछ बात की वगैरह, आज फिर वो देने के लिए आया, मतलब हद है, कुरियर वाले में भी इंसानियत नहीं है, चाहे से ज़्यादा कितली गर्म है, सब अपनी अपनी तड़ी दिखा रहे हैं। तो फाइनली ये सारी मुझ तक पहुँच गई, स्टोर वाले जो हैं काफ़ी हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ है, बेचारी मुझसे कह रही थी मैम उसके साथ एक दो बार फ्रॉड हुआ था, वो कह रही थी कि मैम प्लीज़ रिसीव कर लीजिएगा, एक बार उसने ऑर्डर दिया था, दो तीन बार ऐसा हुआ सीओडी होने के बाद, फिर जब पार्सल गया तो उन्होंने लेने के लिए मना कर दिया, तो वो बेचारी डरती थी कहीं वापस से ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा देखिए मैं आप फ्रॉड कस्टमर नहीं हूँ, ऐसा नहीं करूँ, किसी के पेट पर लात नहीं मारते। फिर जब वो कुरियर वाला आया आज सुबह, तो मैंने उससे बोला कि भाई कल आप ही आए थे क्या, उन्होंने कहा हाँ, तो मैंने कहा भाई थोड़ी सी इंसानियत रखते, 5 मिनट रुक जाते तो क्या इंतज़ार। मैंने कहा ये साड़ी थी चली गई कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अगर किसी की कोई ज़रूरी चीज़ होती, किसी का जीवन मरण का प्रश्न होता तो क्या करते, थोड़ी इंसानियत रखिए, क्यों किसी के पेट पर लात मारना। और ये सीओडी था, वो भी राह देख रहा है जिससे मैंने ऑर्डर मंगवाया है, वो जिसके लिए मंगवाया है वो भी राह देखता होगा, और मैंने मंगवाया था तो आपने इंतज़ार नहीं किया, तो कितने लोगों की हाय लगी आपको, हाय लेके क्या खुश रहोगे। उसने कहा हाँ दीदी गलती होगी। मैंने कहा आप थोड़ी सी इंसानियत रखो, वैसे तो कलयुग ही है, अगर हम जैसे छोटे शहरों में भी लोग इंसानियत नहीं दिखाएंगे तो फिर बड़े शहरों में तो हम क्या उम्मीद करेंगे। अब आगे से कोई कहे कि तो 2-5 मिनट रुक जाइए, किसी को तकलीफ हो तब वो रुकवाएगा ना, किसी को शौक होगा क्या आपका इंतज़ार करवाने का। तो फिर उसने माना कि ना हाँ दीदी ठीक है अब ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा एक बहन की हैसियत से बोल रही हूँ भैया, थोड़ी सी इंसानियत रखिए, ऐसा मत कीजिए, अगर कई बार ऐसा हो जाता है तो 1-2 मिनट राह देख लीजिए, वैसे तो आप बीच में 1-2 मिनट पानी पीने के लिए भी रुक जाते हैं या कहीं और किसी काम में भी बीच में रुकते ही होंगे ना, मिनट मिनट का हिसाब थोड़ी आपसे मांगते होंगे, और आप जो ये काम कर रहे हैं यहाँ हमें पार्सल पहुँचा रहे हैं, तो जिसको पार्सल पहुंच जिसके जिसका लाए है उसके पेट पर भी आप लात मार रहे हो। तो वो कन्विंस हो गया। तो ये है भाई चाय से ज़्यादा कितली गर्म है। और दूसरा फ्रॉड हुआ आज, इंस्टाग्राम स्टोर से मंगवाया था ड्रेस, येलो कलर का ड्रेस, ऑरेंज कलर का दुपट्टा, बनारसी, 999 रुपये का पेमेंट किया, और आज उसका अकाउंट उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये जो अच्छी वाली है ना साड़ी वाली, उसका क्लोथिंग करके है उसका ऐप, यहाँ नीचे दे दूंगी मैं नाम उसका, मेंशन करूंगी। और जिसने फ्रॉड किया है ना वो शॉपिंग कार्ट है, shopping.cart/21, फ़ोन ही नहीं उठा रही मेरा, वो भी एक लड़की ही है, अमृता रॉय नाम है उसका, और मैंने 999 रुपये नेट बैंकिंग किया है, मैं तो COD ही करती हूँ, लेकिन मेरे पतिदेव ने बोला कि भाई आप शिपिंग चार्ज के 80 रुपये कट जाएंगे तो चलिए नेट बैंकिंग कर देते हैं, मैं COD ही प्रीफर करती हूँ। जी हाँ, कैश ऑन शिपिंग चार्ज मुझे परवड़ेगा। अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, मेरे दूसरे अकाउंट से उसका अकाउंट खुलता है, लेकिन मेरे जो पब्लिक अकाउंट है मेरा यूट्यूब को लेकर तनु सत्यन वाला 1406, उस अकाउंट में उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। इंस्टाग्राम यूजर करके दिखा देगा, मैं यहाँ उसका स्क्रीनशॉट में डाल दूंगी। मैंने उससे पूछा है मेरा पार्सल कब है, कोई जवाब नहीं दे रही। और दूसरे अकाउंट से मैं देख रही हूँ, जो मेरा प्राइवेट अकाउंट है उसमें उसका अकाउंट खुल रहा है, यहाँ से मैं कॉल कर रही हूँ तो वो कॉल भी मेरा नहीं उठा रही। अब उसका रिपोर्ट करूंगी मैं, कंप्लेंट करनी पड़ेगी उसकी, 1000 रुपये लेकर बैठी है लेकिन मेरा प्रोडक्ट मुझे नहीं दे रही है।
इट्स अ साइबर क्राइम। तो ये आपसे शेयर करनी थी ये ज़रूरी बात। और ये छोटा सा व्लॉग है इस अच्छी सी साड़ी के साथ और ये फ्रॉड के साथ, मैं यहीं एंड करती हूँ। अभी शाम के 7:30 बजे है, दिया वगैरह हो चुका है, मेरे हस्बैंड की गाड़ी सर्विस में है इसलिए सत्यन और त्रुही वो कार लेने गए हैं। सुबह दाल बाटी बनी थी आपने देखा, थोड़ी सी दाल बाटी बची थी तो गुड्डू ने थोड़ी दाल बाटी खाई, बाटी बची है त्रुही खा लेगी। हम दोनों का अभी कुछ डिसाइड नहीं है कि हम लोग क्या खाएंगे। और आप मेरे पीछे कपड़े देख सकते हैं, कल के आए बाहर गए थे तो काफ़ी कपड़े थे तो ये सारे अब धुलकर यहाँ पड़े हैं। अभी इन सबको मुझे अभी फोल्ड करके रखना है, बर्तन भी वहीं पड़े। आज दोपहर से दिमाग ये इंस्टाग्राम स्टोर के पीछे खराब हुआ पड़ा है, सोचिए आप कैसा मुझे धक्का लगा होगा। ये देखिए, और कुत्ते ने कल रह गया मेरे से ये रखना तो कुत्ते ने मेरे ऐसे तो फोड़ दिए, ऐसे मेरे दिए मैं लेकर आई थी कांच वाले तो उसने 3 दिए मेरे फोड़ दिए। तो चलिए इस यहीं पे मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। और मुझे अनसब्सक्राइब मत करो यार, ऐसे तैसे करके मैं 820 तक पहुँची हूँ और आप मुझे अनसब्सक्राइब करके 818 पर वापस से ले आए। मेहनत करती हूँ, सपोर्ट कीजिए। और मेरा कम्युनिटी टैब भी ओपन हो गया है अब, तो वहाँ पे भी मैं अपडेट्स देती रहती हूँ, तो वहाँ भी मुझे लाइक कीजिए, इंस्टा पर फॉलो कीजिए। कीप सपोर्ट अस, छोटे से शहर से हैं हम तो हमें भी सपोर्ट कीजिए, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। ओके, तो चलिए मिलती हूँ कल के व्लॉग में, बाय बाय। ये जो आप स्टोर का नाम देख रहे हैं और ये पिक देख रहे हैं, इस स्टोर पर से मुझे इस अकाउंट से मुझे मैसेज आया था कोलैब के लिए, क्या आप पिक लीजिए हम आपको डिस्काउंट में देंगे। तो कोलैबोरेशन के लिए मैंने ये ड्रेस मंगवाया था, 999 रुपीज़ नेट बैंकिंग से मैंने पेमेंट किया है, उसने 7 डेज मांगे थे, आज 7 दिन हो गए, मैंने आज पूछा तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, उसका अकाउंट मुझे नहीं दिख रहा है। कीप सपोर्टिंग मी, ये मैसेज उस तक पहुँचा दीजिए। अमृता रॉय है उसका नाम, कीप सपोर्ट अस। ये देखिए इंस्टाग्राम यूज़र करके हो गया है, मैंने उससे पूछा है कि मेरा पार्सल कब तक आएगा ये वगैरह, उसने कुछ भी मुझे जवाब नहीं दिया। और उसने जो चैट में भेजे थे उसकी तरफ से सारे उसने डिलीट कर दिए हैं। अब मुझे उसका अकाउंट देखिए, पिक यहाँ वही है, आप मेरी आगे की रील देख लीजिए, पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। अब मुझे इंस्टाग्राम यूज़र दिख रहा है और ये मेरे मैसेज हैं जिसका उसने मुझे जवाब नहीं दिया है। तो यहाँ से कुछ मत लीजिएगा, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।